जितिया भरत कथा। एक समय कर बात है, नैमिषारण्य कर रहोया जितना ऋषि मुनि मन संसार कर कल्याण ले सुत जी से उपाय पूछले। हे सुत जी, ई विकराल कवि काल में मनवा कर छुआ पुता मन का लखे दीर्घ आयु हो भय लंबा जीवन हो एक पारी से इकर कोनो डहर बताओ, कोई उपाय बताओ। ऋषि मुनि मनक बात के सुन के सुत जी कहले, जे खन द्वापर युग कर आखिरी समय में और कलयुग कर शुरुआत रहे उस समय शोक से व्याकुल नारीगण मन ढेर जुट के आपस में बातचीत करे के लायक है। इ कलिकाल में जे छुआ जन्म हुई उ छुआ माय कर रहते हुए मर जाबे ये अच्छा बात ना लगे। सभे नारीगण मन ये बात कर चिंता करे के लायक रहे। सेह बेरा सब नारीगण मन मिलजुल के गौतम ऋषि जग गेले इकर निराकरण लगिन। सब नारीगण मन उनकर आश्रम पहुँच गेले। उ बेरा गौतम ऋषि बहुत ही खुशी मन से बैठ रहे। सेखन सब नारीगण मन मुड़ के झुकाए के भेंट कर लें, प्रणाम पाती कर लें और सब नारीगण मन पूछत है कि हे प्रभु, इ कलिकाल में मानवा कर छुआ पुता अर्थात पुत्र का लखे इ संसार में जिंदा रहबे, इकर ले कोनो व्रत या तप करे कर विधाना है, हर हम के कोनो उपाय बताओ, हमके बड़ी चिंता होवत है। इस अनचिंतनीय बात सुन के गौतम ऋषि जी कहलें, जे बेरा महाभारत युद्ध कर अंत हो गेलक तब द्रोणाचार्य कर बेटा अश्वत्थामा कर हाथे अपन पांचों बेटा कर मरल मुंह के देख के सब पांडव मन एकदम दुखी हो गेलें। सेखन बेटा कर शोक से व्याकुल हुई के द्रौपदी अपन सखी सहेली कर संगे ब्राह्मण श्रेष्ठ धोम ऋषि कर शरण में चल गेलें और धोम ऋषि जग कहलें, हे विपेंद्र जी, का से उपाय करेक से छुआ पुता बालक अर्थात पुत्र मनक लंबी आयु होएक पारी, दीर्घायु होएक पारी, कृपया करके कोनो उपाय बताओ। ईसन विपत के सुन के धोम्य ऋषि जी बतालें, सतयुग में सत्य वचन कहेक वाला, सत्य आचरण करेक वाला, भूत वर्तमान और भविष्य के जाने के वाला समदर्शी जीमूत वाहन नाम कर एक ठो राजा रहे। एक समय कर बात है, अपन घरनी कर संगे अपन ससुराल चल गेले और उ राजा ससुराल में है रहेक लागले। एक दिन आधा रात कर बेरा में एक नारी पुत्र शोक से व्याकुल हुई के जोर जोर से कांदे के लायक है। उ नारी कांदते कांदते कहत रहे, हाय रे मोर ईसन दशा, बूढ़ी माय कर रहते रहते मोर बेटा अधे दिन में है मर गेलक। नारी कर रोदन सुन के राजा जी मुतवाहन कर हृदय पिघल गेलक और राजा जी उ नारी कर पासे जाय के नारी के पूछे के लायक है, बताओ दुखियारी माय, रोर बेटा का लेखे मर गेलै। दुखियारी माय कांदते कांदते कहलें, एक गरुर आय के रोज दिन गांव कर एगो बेटा के खाए देला, माय कर रहते रहते बेटा मनक मरे बेस बात ना लागे। ईसन दुख बात के सुन के दयालु राजा कहलें, हे माता, अब रूरे नहीं कांदू और चुपचाप हो जाऊ, मोय रूर बेटा के बचाए के लागिन उपाय करत हो। राजा जी मुतवाहन जी गरुर कर आहार ले फल फूल एगो रथ में लाइद के ले गेलें, मुदा फल फूल नहीं खाए के गरुर राजा के हैं झपट लेलें और लेंगा अंग के खाए के लागलें। राजा कर लेंगा अंग के खाए लेलें तब राजा बथा से छटपटाते छटपटाते अपन दोसर भातखैया अंग के गरुर बटे फेर देलें। ई देख के गरुर कहलें, रौरे देव योनि में के है कि रौरे मनवा चाहत नी जाइन पड़त ही, काले कि जब मनवा के झपटन तो उनकर प्राण ओहे बेरा निकल जाए, लेकिन रौर से ईसन नी होलक। रौरे के है कि रौर कुल रौर गोत्र और रौर नाम के बताऊ। बथा से छटपटाते छटपटाते राजा कहत है, हे पक्षी में श्रेष्ठ बुद्धिजीवी बलशाली गरुर जी,
इलखे सवाल करे एकदमे बेकार है के रोरे अपन मन भर मोर मांस के खाओ। ई बात सुन के गरुर खाए अटकाए देलन और बड़ी माइन से राजा कर जन्म और कुल पूछे लागलन। तब राजा अपन पहचान के बतालन, मोर आयो कर नाम सभ्या और अबा कर नाम शालिवाहन है के सूर्य वंश में मोर जन्म हुई है। मोर नाव जीमूत वाहन है के गरुर जी मोर मामा लागेन। इतना सुनते गरुर जी शोक से व्याकुल हुई गेलन और लड़खड़ाए गेलन। गरुर जी कांदते कांदते पछताए पछताए के कहक लाग है कि इ दुनिया में हमर लेखन पापी कोई न खाए जे अपन भगिना कर मांस के खालें। ई पाप कर उद्धार का लेखन होए पारी कह के बड़ी चिंता में डूब गेलें। हे जीमूत वाहन रूरे मोर भगिना लागब, इतना बोड़ पाप कर उद्धार कैसन होवी से कोनो उपाय बताऊ। हे महाभाग रूर मन में जे भी विचार या मांगा है हल मोर से वरदान मांगू। तब राजा कहलें, हे पक्षीराज मोके वरदान देती हल ई वरदान देऊ जे रोरे अब तक जे मानवा मन के खाही उ सब मानवा जी उठबें और हिया कर बालक मन के रोरे नी खाब। जे मानवा मन जहाँ जन्म है हुआ उ मन के ढेर दिन तक जिए कर आशीर्वाद देऊ। आगे धौम्य ऋषि जी कहलें कि पक्षी राज गरुर राजा के वरदान दे के खुद अमृत लाने के लागिन नाग लोग चल गेलें। हुआ से अमृत लाइन के उ गरुर जी उ मोरल आदमी मनक हाड़ में अमृत बरसा लें। जब अमृत कर वर्षा होलक तब सब मोरल आदमी मन जी उठलें जेके गरुर पहले खाए चुक रहें। राजा कर त्याग और गरुर जी कर कृपा से हुआ कर जे कष्ट रहे से दूर हो गेलक। से बेरा राजा कर गतर जैसन रहे से लेखन दुबारा और हो गेलक। राजा कर सोगालू देख के गरुर जी दोहराए के फिर से कहलें कि मैं संसार कर कल्याण ले एक ठो और वरदान देत हूँ। अश्विन कृष्ण अष्टमी के कोई भी नारी ई व्रत के तन मन धन लगाए के जितिया व्रत कर कूस कर आकृति बनाए के पूजा करबे तो दिनों दिन उनकर सौभाग्य बढ़ते जाए और वंश कर वृद्धि होवी और छुआ पुता मन दीर्घा आयु होवे। हे राजन जितिया व्रत के शुद्ध अष्टमी के व्रत करे चाही और नवमी के पारण करे चाही। यदि ई विधि के ध्यान से नी करे से व्रत कर फल नष्ट हो जाए उकर उल्टा घर में कलेश होवी। जीमूत वाहन जी के ई लखे वरदान दे के गरुर जी बैकुंठ धाम चल गेलें और राजा भी अपन पत्नी कर संगे अपन नगर घूर गेलें। धौम्य ऋषि जी द्रौपदी से कहत हैं कि हे देवी मैं ई दुर्लभ व्रत के रोरे के बताए देलों। ई व्रत के करे से बालक मनक आयु लंबा होवी दीर्घ आयु होवे। हे देवी रोरे भी ई बताल विधि से ई व्रत के और दुर्गा जी कर पूजन करू तब रोरे के मनवांछित फल भेटाई। मुनिराज धौम्य ऋषि जी कर बात सुन के द्रौपदी जी कर हृदय में एक मितका कर खुशी उमड़ गेलक। भाव से विभोर हो गेलें और हुआ कर रहुया नारी मन के बोलाए के उ मन कर संगे संग ई उत्तम व्रत के करलें। धौम्य ऋषि जी जब द्रौपदी जी के जितिया व्रत कर कथा के बताए लग रहे उ बेरा एगो चील एगो गच्छ में चढ़ के सब कहनी और कथा के सुनत रहे। चील सब कहनी कथा के सुन के अपन स्थान चल गेलें जे स्थान में चील रहत रहें ओहे स्थान में एक ठो गच्छ रहे। गच्छ कर ऊपर चील रहत रहें और गच्छ कर हेठे फेड़ में एगो सियारिन रहत रहें। ई जितिया व्रत कर कथा के सियारिन के भी सुना लें। सियारिन आधा कथा सुन रहे कि उके भूख लग गेलक और ओहे समय मुर्दा से भरल मसना घाट पहुँच गेलें।
हुआ सियारिन इच्छा भर मांस के खालें और चिल बिना कोनो खाले ना पीले रह गेलें। बिहान होई गेलक से बेरा उ गोहार घरे गेलें और हुआ से गाय कर दूध के पीलें। इलखे नवमी के पारण करलें। तनिक दिन बीतल पाछे दुयो मर गेलें और अयोध्या में एक ठो धनी व्यापारी घर जन्म पालें। संयोग से उ दुयो एके घर जन्म पालें, जेकर में से सियारिन जेठ बेटी होलें और चील छोट बेटी होलें। उ दुयो बहिन सोवे शुभ लक्षण से बेस रहें। जब दुयो बहिन बाढ़ सोड़ के सियान हो गेलें, शादी लायक हो गेलें, सेखन बड़ बेटी के काशी कर राजा के और छोट बेटी के काशी राज्य कर मंत्री कर संगे विधि विधान से शादी कर दिलें। पहिल जन्म कर कर्म फल से बड़ बेटी उ मृगनयनी रानी होलें, मुदा रानी कर छुआ मन जन्म लेते साथे हैं मर जात रहें। और पहले जन्म कर बात के याद राखेक वाला मंत्री कर घरनी आठ वसु मन के साक्षात तेजस्वी बेटा मन के जन्म देलें और सोबे बढ़िया से जियेक लागलें। अपन बहिन कर बेटा मन के जीते देख देख के रानी खिसात रहें और रानी राजा से कहत रहें कि रोरे मोके जीते राखे चाहत ही हल, मंत्री कर बेटा मन के ओहे जगह भेज देव जहां मोर बेटा मन जाहें, अर्थात आठों बेटा के जान से मार देव। रानी कर ईसन बात सुन के राजा मंत्री कर बेटा मन के मारक लेकिन कई प्रकार कर चेष्टा कर लें, मुदा मंत्री कर घरनी जितिया व्रत करत रहें और उनकरे पुण्य और छाई छतर से अपन बेटा मन के बचाए लेलें। एक दिन राजा ठो अपन आदमी मन से उ मंत्री कर आठों बेटा कर मुड़ के कटवाए के हरका में रखवाए देलें और उ हरका के उनकरे माता अर्थात मंत्री कर घरनी कर जगह भिजवाए देलें। उ बेरा में मंत्री कर घरनी जितिया व्रत कर तैयारी में लाइग रहें, से खन हरका के खोल के नी देखें और कहे ना कि मैं एखन तो जीत बाहन भगवान कर पूजा पाठ ले सामगिरी के जुटाक लाइग हौ, मैं एखन देखेक नी पारमु हरका के ओहे जगह राख देव, मैं एखन देखेक नी पारमु ओहे जीत बाहन भगवान देखबें। मंत्री कर घरनी पूजा पाठ कर लेना और पाछे हरका के खोल के देखे ना तो हरका में भरल उ आठों मूड़ जितवाहन भगवान कर छाई छतर से सोना चांदी हीरा जोहरात से भरल जगमगात रहेला। मंत्री कर बेटा मन सही सलामत आठों बेटा अपन माय कर पासे घुर आवे ना। मंत्री कर आठों बेटा के जीते देख के राजा कर घरनी रानी औरे बगरा खिसाए जाएं। अंत में रानी हार मान के उ मंत्री कर घरनी कर पास से जाए के पूछे ना कि हे बहिन रोरे कौन ईसन पुण्य काम कई रही जेकर से रोर बेटा मन के घरी घरी जान से मारे से भी रोर बेटा मन नी मोरे ना। रानी कर ई बात के सुन के मंत्री कर घरनी कहले कि हे बहिन पहिल जन्म में मोय चील रहो और रोरे सियारिन रही, हमरे दुयो एक समय में जितिया व्रत कर रही, मुदा रोरे व्रत कर नियम विधि विधान से पालन नी कर ली और मोय विधि विधान से जितिया व्रत कर पालन कर रहो, एहे दोष कर कारण बहिन रोर बेटा मन नी जिए ना। मंत्री कर घरनी महारानी से कहक लाई है कि हे महारानी एखनो रोरे जितिया व्रत के विधि विधान से मन लगाए के व्रत के कर फल रोर बेटा मन दीर्घायु हो बैं, मोय ई बात के सच सच कहत हो। मंत्री कर घरनी कर कहे के अनुसार रानी फिर से जितिया व्रत कर लें। तब से उकर कई बेटा मन बड़ी सुंदर सुंदर और दीर्घायु होइक पारलें और आगे चल के बड़े बड़े राजा होलें।
सुत जी कहत हैं कि सब मैथका कर फल देवे वाला इ व्रत के मैं बताए देलो। नारीगण चिरंजीवी संतान चाहे ना से मन इ व्रत के विधि विधान पूर्वक करबें। इति श्री जितिया व्रत कथा कर अंत होलक। जितिया व्रत कथा कर वर्णन महर्षि वेदव्यास कर रचित 18 पुराण में एक है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में जितिया व्रत कथा कर वर्णन मिलेला।